पानी 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 ला पानी दे ला ला देखिए आनंद हमको पानी पिला दिया, पानी प्यास लग रहा था बहुत, जैसे तीता लग गया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं तो ठीक हूँ। देखिए हम अभी उठे हैं, हम अभी उठ करके मतलब कल ही मुंह फ्रेश किए हैं और मुंह धो लिए हैं, बस इतना ही। हम फ्रेश करके हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमको सारा काम करने के लिए बाकी है। अभी झाड़ू करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ काम करने के लिए मेरा सब बाकी है। तो हम सोचे कि हम अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम सारा चीज़ हम काम करेंगे। तो और जितने भी हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जल्दी से चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, और जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम अभी झाड़ू करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, रूम क्लीनिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्ट मज़ेदार होने वाली है। आज हम आप लोग के लिए अच्छा रेसिपी लेकर आए हैं, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम अभी साफ़ सफाई करेंगे रूम, पहले हम झाड़ू करेंगे, उसके बाद में हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे रूम में कितना गंदा है, हम लोग कितना गंदे लोग रहते हैं इस घर में, दिखाएंगे आप लोग को। देखिए हम कितना कचरा झाड़ू करके निकाले हैं, देख सकते हैं। ये भी एक दिन का है, कुछ एक दिन का कचरा देखिए कितना ज़्यादा हम लोग का रूम में गंदा है। और यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो देखिए यहाँ का मौसम, अभी धूप निकला है, देखिए बहुत अच्छा से धूप है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन हाँ, हवा चल रहा है और ठंडी लग रही है, हवा चल रही है इसके वजह से ठंडा लग रही है। और यहाँ का धूप निकला है आज, कल परसों नहीं निकला था, आज तो सुबह से ही धूप निकला है, लेकिन हवा चल रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। देखिए हम आलू को बॉयल किए हैं, इसको हम अभी मैश कर रहे हैं, इसका हम चोखा बनाएंगे। तो आज हम आप लोग को अच्छा रेसिपी देने वाले हैं, और जितने भी हमारे वीडियो को देख अच्छा बन गया है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ढक के रख देंगे। देखिए ये हमने उतार दिए हैं, देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया इसको। तो देखिए छोटा सा हम लुई ले लिए, तो इसी तरह से इसका गोल करेंगे अच्छा से। देखिए ये मेरा गोल बनके तैयार हो गया, तो इसे ही हम सारे ये आलू को इसी तरह से हम गोल कर लेंगे। गरम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे चोखा गोल गोल बना के हम रेडी कर दिए हैं, तैयार हो गया मेरा। तो चलिए अब मेरा सारा कुछ रेडी हो गया है, देखिए ये भी, और तेल भी गरम हो गया है, हाँ पूरा तेल गरम हो गया है। तो पहले हमने एक को ट्राई किए हैं, देखिए ये अच्छा से बन गया है, तेल उसका मतलब तेल गरम हो गया है, हम चेक करने के लिए दिए थे। तो चलिए हम आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरा ये भी अच्छा से तैयार हो गया फ्रेश। और इसको इस तरह से हम इसमें डुबाएंगे और हम इसमें तेल में ऐसे ही हम डालते जाएंगे। इसका खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वाद लगता है। देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। इसको बोलते हैं आलू चॉप।
बाजार में इसका बहुत ही महंगा मिलता है। सारे हम आलू चाप को इसमें हम डाल देते हैं। इस तरह से हम सारे आलू चॉप हमने इसमें तेल में हम डाल दिए हैं, तो इसको अभी हम इसको दोनों देने से उलट पलट करेंगे। तो इसको हम जो पहले पहले दिए थे वो वाला कंप्लीट हो गया है, तो इसको दूसरे तरफ भी हम पलट देते हैं। दूसरे तरफ भी पक जाएगा अच्छा से। जब तक इसको अच्छा से नहीं पकेगा तब तक हम इसको नहीं पलट सकते हैं। अगर अच्छा से नहीं पका हो रहता तो ये मतलब अच्छा से नहीं पलटता है, ये खराब हो जाता है। इसलिए अंदर पक जाएगा तब जाके इसको पलटिएगा। ओके, इसको अभी और थोड़ा होना है। अंदर में सट गया है, तेल कम है इसके वजह से अंदर में सट गया, तो तेल ज्यादा रहता है तो अंदर में नहीं सटता है। इसका अच्छा से नहीं हुआ था, थोड़ा सा खराब हो गया है। खाली हम और आनंद खाली है। सुबह में ही आनंद के पापा चल गए हैं बिहार, गांव गए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों खाली है घर में, तो इसीलिए हम दोनों कम ही बना रहे हैं। सुबह में हम दोनों खाली रोटी बनाए थे, आनंद के पापा जा रहे थे तो नाश्ता के लिए हम रोटी बनाए थे, रोटी और आलू की भुजिया हम बनाए थे, वही बचा था तो हम दोनों उसी को सुबह खा लिए थे। तो दोपहर इस दोपहर के लिए तो हम दोनों खाना नहीं बनाए थे, तो इसीलिए हम दोनों सोचे कि चलो थोड़ा चटपटा खा लेते हैं। तो हम दोनों आलू चप बनाने लगे, इसको बना रहे हैं। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और जितने भी हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को यहाँ भी शेयर करना ना भूलेगा। तो हमको ये सब छटपटा चीज खाने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले जब शादी से पहले हम कुमार में थे, जब हम उस टाइम हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं पड़ता था, तो हम बाहर का खाना ही बहुत ज़्यादा खाते थे बाहर का। तो इसीलिए अभी भी हमको वही आदत लगा हुआ है कि बाहर मतलब चटपटा चीज़ खाने के लिए, इसीलिए हम बीच बीच में हम बार मतलब लगातार हम बनाते रहते हैं, ये सब बराबर हम इसे बनाते रहते हैं। बाजार से कितना खरीदती बाजार से खरीदेंगे तो मतलब थोड़ा महंगा भी देता है, घर का बना हुआ चीज अपना मन पसंद जितना खाइएगा उतना खा सकते हैं। तो चलिए देखिए ये सब हम निकाल देंगे, ये सब हो गया है, जो जो हो गया है वो सब हम निकालते जाएंगे और जो बाकी है उसको अच्छा से हम पकने देंगे। देखिए फाइनली दोस्तों मेरा बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया है। तो देखिए इतना सारा हम बना लिए हैं, तो आप लोग को कैसा लगा हमारा आलू चाप के वीडियो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए हम इसको खा के टेस्ट करते हैं इसका कैसा लगता है। अरे यार क्या आलू चाप है, इसको गर्म गर्म खाइएगा तो बहुत ही ज्यादा स्वाद लगता है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये हम अभी हम बनाए हैं। हाँ कुछ खिलाओ जा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आलू चाप का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए मेरा आनंद आनंद भी खा रहा है, बैठो बैठो बैठो, उधर देखो उधर देखो, बोलो हाय, आलू चप खा रहे हैं। पानी 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 ला, पानी दे।
देखिए आना था हमको पानी पिला दिया, पानी प्यास लग रहा था बहुत, जैसे तीता लग गया था।